भैया जैसे गुरुदेव से सुना है हमने कि आप जब ध्यान करते हैं तो आपकी जो सात पुश्ते जो हैं, पहले की जो है सात पूर्वज बोलूंगा मैं, और जो आने वाली जो सात पुश्ते हैं उन सबका कल्याण होता है। तो इसके पीछे कैसे एक एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, ये एक मेरा प्रश्न अभी आया मुझे, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो मैंने तो आपको बताया कि जब आप मंत्र करते हो तो 25% पितरों को जा रहा है, आप ध्यान करते हो उसका भी जा रहा है। तो जब आप ध्यान कर रहे हो तो उनको जा रहा है, तो एटलीस्ट जो व्यक्ति ध्यानी है उसके पितर तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं उससे। तो उनके पितरों का तो अगर मान लो कोई 5 साल 10 साल से हो गया उसको ध्यान करते करते, तो उनके पितरों के तो लाइफ में जो भी ब्लॉकेज रहा होगा वो सब तो वैसे ही निकल जाता है, क्योंकि उन हम जो भी कर रहे हैं इस पृथ्वी पर उसका, इसको क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी फीस है, राइट? फ्रेंचाइज, क्योंकि हम उनकी फ्रेंचाइज है ना, राइट? सो एनीथिंग व्हिच आई एम डूइंग ऑन दिस प्लैनेट आई हैव टू गिव दैट टैक्स टू देम। तो इफ आई एम डूइंग मेडिटेशन तो फिर वो उनको लग रहा है, और उनको लगने से हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद आता है, इसीलिए हमारी लाइफ इजी होती वाह वाह, मतलब पूरा एक है। जबरदस्ती एंगल तो दिखा। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि आगे की कुंडलियों में नहीं दिखता, बच्चों की कुंडलियों में नहीं यस दिख रहा है, पीछे आ रहा था, एक व्यक्ति बीच में ऐसा आ गया जिसको गुरु मिल गए और वो पाथ पर निकल गया, उस पथ पर निकल गया साधना के, ध्यान के। तो उसने आगे के पूरे बच्चों का, पूरी जनरेशन का जीवन को तार दिया कि ये अनहैप्पीनेस, ये ब्लॉकेज, ये कलेश से वो बच्चे आगे के मुक्त हो गए। और जो वो ध्यान करता जा रहा है उससे पीछे की जो पूरी जनरेशन है उनके भी जो ब्लॉकेज है वो हटते जा रहे हैं और वो अपने आगे की यात्रा पे जाते जा रहे हैं। तो अभी जैसे किसी ने प्रश्न किया था कि पितृदोष की रेमेडी, बेसिकली तो ध्यान सुदर्शन क्रिया बेस्ट रेमेडी है सुदर्शन पितृदोष की, इससे अच्छी कौन सी रेमेडी होती?